नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। तो फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड ने 1-1 से बराबर कर ली है। लीड्स के मैदान में हुए सीरीज के 3रे मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को एक करारी शिकस्त दे दी है। लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड ने यह मैच 1 पारी और 76 रनों के बड़े अंतर से जीत सीरीज को बराबरी पर ला दिया है। इस मैच में इंग्लैंड के सबसे बड़े हीरो रहे ओली रॉबिन्सन। मैच में 7 विकेट चटकाने वाले अंग्रेज गेंदबाज को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड को पहली पारी में मिली 354 रनों की विशाल लीड का पीछा करने उतरी भारतीय टीम दूसरी पारी में केवल 278 रनों पर सिमट गई। 215 पर 2 विकेट के स्कोर से आगे खेलते हुए भारतीय टीम चौथे दिन का पहला सेशन भी पूरा नहीं खेल पाई और महज 63 रनों के अंदर अपने 8 विकेट खोकर इस मैच को हार गई। इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतकीय पारियां खेली। पुजारा ने सर्वाधिक 91 रन बनाए। इस मैच में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम पहली पारी में महज 78 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 432 रन जड़ दिए। इंग्लैंड के कप्तान रूट ने सीरीज का 3रा शतक जड़ते हुए 121 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के शुरुआती 3 बल्लेबाज रोरी बर्न्स, हसीब हमीद और डेविड मलान ने अर्धशतकीय पारियां खेली, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने मैच को आसानी से जीत लिया। इंग्लैंड में खेली जा रही सीरीज पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी नजर है। आइए जानते हैं मैच के बाद किस क्रिकेटर ने क्या कहा। अक्सर अपने ट्वीट्स के लिए मशहूर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, गुड जॉब, टेस्ट मैचों के बीच चैंपियनशिप क्रिकेट जैसा सब हुआ जिसकी वजह से इंग्लैंड बेहतर कर पाया। वॉन ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के तगड़े प्रदर्शन की वाहवाही की, भारतीय टीम को बेकार बताकर पिछले कुछ दिन भूल जाने की हिदायत दी। वॉन ने ट्वीट में लिखा, इंग्लैंड का शानदार क्रूर प्रदर्शन, जितना मिले उतना कम। लॉर्ड्स के बाद ऐसा प्रदर्शन करना टीम का कैरेक्टर दिखाता है जो उनके कप्तान से आता है। इंडिया के लिए पिछले कुछ दिन भूलने लायक हैं, वे सच में यूजलेस नजर आए। पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट में लिखा, एक चरित्र जो टीम इंडिया अच्छे से जानती है वो है कमबैक करना, एक बार फिर इसकी उम्मीद कर रहा हूँ। वेल डन इंग्लैंड, तुमने बेहद शानदार क्रिकेट खेला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, इंग्लैंड की टीम शानदार रही और वो जीत की हकदार थी। भारतीय टीम पहले दिन और आज यानी कि शनिवार के अपने कोलैप्स से निराश होगी, लेकिन मैं भारतीय टीम को बैक करता हूँ कि वो अगले टेस्ट में वापसी करेगी। सीरीज की बात करें तो दोनों ही टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। पहला टेस्ट बारिश के चलते ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में हुआ दूसरा टेस्ट अपने नाम किया। इंग्लैंड ने तगड़ी वापसी करते हुए लीड्स का टेस्ट जीत सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीरीज का अगला और चौथा टेस्ट 2 सितंबर से लंदन के ओवल मैदान में खेला जाएगा। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी अविनाश ने। जाने से पहले एक जरूरी सूचना भी आपको दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर बहुत जल्द आने वाला है क्रिप्टो करेंसी को बेहद आसान भाषा में समझाने वाला शो, एक नया पैसा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।